नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल डिवाइस चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे इस तरीके की वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बहुत से लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे सेंड किया था और बताया था कि यहाँ पे इस तरीके की वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो बार बार वहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो आजकल यहाँ पे टिकटॉक पे मिक्स वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। किसी के वीडियो के साथ कोई वीडियो मिक्स करके अगर आप यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट करके, तो आपका वीडियो यहाँ पे वायरल हो सकता है। और इस वीडियो को मैंने खुद देखा था टिकटॉक पर, जहाँ पे विदाउट एडिटिंग, मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्रीन स्क्रीन वीडियो ही था, जिसमें यहाँ पे 50,000 से प्लस लाइक्स थे। तो इस तरह वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो चाहिए। तो उस वीडियो को मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद आपको एक काइनमैश एप्लीकेशन को यूज करना है, उसको यूज करके आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। और इस तरीके के मैंने यहाँ पे दो तीन वीडियो और बनाया, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। तो आप ऊपर में क्लिक करके वहाँ से उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, और आप सारे वीडियो को बना करके अपने टिकटॉक आईडी पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने काइन मास्टर को ओपन करना है। तो काइन मास्टर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आपको वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि मीडिया पे क्लिक करना है। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे किसी एक कलर के बैकग्राउंड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आप किसी भी कलर के बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको ऊपर मीडिया वाला ऑप्शन में जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पे आपको एक गर्ल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे उस वीडियो को लेकर के आना है, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इसको आपको क्या करना है कि इसको फुल स्क्रीन में सेट कर देना है, और ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको बैकग्राउंड को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ा बड़ा है। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को भी इक्वल करना होगा, वीडियो के लेंथ के इक्वल करना होगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कुछ टिकटॉक का ऐड वगैरह आता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है वीडियो पे, लेयर वाले वीडियो पे, और फिर कैसे पे जाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना है कि आपको यहाँ पे किस तरह का आपका वीडियो है। तो इस तरीके से आपको बीच में ग्रीन स्क्रीन आता है, और इसके बाद आपको स्टार्टिंग में और लास्ट में वीडियो आएगा इस लड़की का। तो आपको क्या करना है कि आपको इसी बीच में ग्रीन स्क्रीन के जगह पे आपको अपना वीडियो लगाना है, जो वीडियो को आपने शूट किया होगा। तो आपको एक वीडियो को शूट कर लेना है, 4 से 5 सेकेंड का वीडियो। और आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन से पहले ही आपको थोड़ा सा वीडियो को रोकना है। और इसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाना है, और आपको अपने वीडियो को ले लेना है, या आप किसी वीडियो को लगाना चाहते हैं आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। आप किसी अगर दूसरे के वीडियो को लगाना चाहते हैं तो आपको उसको वीडियो को लेकर लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। और वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले वॉल्यूम पे क्लिक करके आपको यहाँ से क्या करना है कि इसके साउंड को आपको म्यूट कर देना है, और ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप इसमें से जिस भी पार्ट को, मतलब जितना क्लिप को रखना चाहते हैं उसको रखना है, और इसके बाद बाकी को आपको सबको डिलीट कर देना है, कट कर देना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो पे क्लिक करके कैंची पे जाना है। और इसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्टार्टिंग के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे जितना वीडियो को रखना है उतना वीडियो को आपको यहाँ पे रख लेना है। और उसके बाद लास्ट के वीडियो को अगर आप कट करना चाहते हैं तो आपको फिर से वीडियो पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने के बाद फिर से कैंची पे जाना होगा। और लास्ट वाले पार्ट को कट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक सेकेंड ऑप्शन दिख जाएगा, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इस पर क्लिक करके ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको फुल स्क्रीन में सेट करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना होगा, आपको यहाँ पे कैचे के सामने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे क्लिक करके ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे डिलीट, मतलब डिलीट के नीचे 3 डॉट देखिए, उस पर क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक करके आपको क्या करना है कि वीडियो को बैक में सेंड कर देना है। और इसके बाद अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको नीचे में एक क्रोमा की ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे जाना है और इस पर इनेबल पे क्लिक करके आपको इसको ऑन कर देना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे की कलर दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे की कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको ऊपर राइट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे एक 28% जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको क्या करना है कि 35% के आसपास आपको इसको कर देना है बढ़ा करके, और ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपका वीडियो यहाँ पर बन करके रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप एकदम 100% प्रोफेशनल ट्रांजिशन वीडियो बना सकते हैं, किसी के साथ मिक्स करके अपना मिक्स वीडियो बना सकते हैं। और मैंने इस तरह के 2-3 वीडियो और बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको उस वीडियो को भी जाकर के जरूर देखना चाहिए। और ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।
और आपको सेटिंग पे क्लिक करके आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ऑडियो फेड आउट को बंद करके ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में सेटिंग के ऊपर, तो आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ से वीडियो को HD में या फुल HD में आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे वीडियो को HD में सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।